Then is the question number 3. Question number 3 is the show that. In first part is x raised to power 3 minus y raised to power 3 is equal to x minus y into x minus omega y into x minus omega square y. राइट हैंड साइड को हमने लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल शो करना है. इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनमें हम राइट हैंड साइड को लेंगे और उसको सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लेके आएंगे. सो टेकिंग राइट हैंड साइड दैट इज x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्केयर वाई. वो वाले टर्म्स जिनमें हमारे पास ओमेगा ओमेगा स्केयर होगा उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. x माइनस वाई वैसे आ जाएगा. इन दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा एक्स वाई माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर. उस अगले स्टेप में जो चीजें कॉमन आ रही होंगी उनको कॉमन लेंगे. सो ये एक्स माइनस वाई वैसे ही आ जाएगा. यहां पे एक्स वाई और एक्स वाई दोनों में कॉमन आ रहा है तो ये हम कॉमन लेंगे. तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर. देन हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे. दो प्रॉपर्टीज यूज होंगी इसमें. एक हमारे पास होती है वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. वहां से हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन. और दूसरी प्रॉपर्टी होती है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन. ये जो वैल्यूज हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की और ओमेगा क्यूब की वो हम इसमें पुट करेंगे. जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस वन इंटू एक्स वाई प्लस वन इंटू वाई स्क्वायर. दिस विल बिकम एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स रेज टू पार थ्री माइनस वाई रेज टू पार थ्री. सो राइट हैंड साइड से हमने स्टार्ट लिया और उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ले आए. सिमिलरली इसका जो पार्ट नंबर टू है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा. पार्ट नंबर टू है एक्स रेज टू पावर थ्री प्लस वाई रेज टू पावर थ्री प्लस जी रेज टू पावर थ्री माइनस थ्री एक्स y z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी. अब इसको सॉल्व करने के लिए आपने इसी राइट हैंड साइड से स्टार्ट लेना है. इन दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करने के बाद उनमें जो चीजें कॉमन आ रही होंगी वो कॉमन लेंगे और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को यूज करते हुए उनकी वैल्यूज अमूमन हमारे पास जो वैल्यूज पुट करना होंगी वो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की होंगी या ओमेगा क्यूब की होंगी. तो वो वाली वैल्यूज जो हैं वो हम पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास
जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी. सो इस पार्ट को आप खुद करेंगे. देन पार्ट नंबर थ्री इज शो दैट वन प्लस ओमेगा इंटू वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू वन प्लस ओमेगा रेज टू पावर फोर इंटू वन प्लस ओमेगा रेज टू पावर एट अप टू टू एन फैक्टर्स इज इक्वल टू वन. अब इस केस में हम लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड दैट इज वन प्लस ओमेगा इंटू वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू वन प्लस ओमेगा रेज टू पावर फोर इंटू वन प्लस ओमेगा रेज टू पावर एट अप टू टू एन ट्वेंथ फैक्टर्स. इसको सॉल्व करने के लिए हम ओमेगा की हायर पावर्स जो हैं उनको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये हमारे पास ऐसे ही वन प्लस ओमेगा इंटू वन प्लस ओमेगा स्क्वायर. इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं वन प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा रेज टू पावर थ्री, और इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा रेज टू पावर सिक्स अप टू टू एन फैक्टर्स. दिस विल बिकम वन प्लस ओमेगा इंटू वन प्लस ओमेगा स्क्वायर. हेयर ओमेगा क्यूब विल बिकम वन एंड दिस टर्म विल बिकम वन प्लस ओमेगा. और यहां पे हमारे पास ओमेगा रेज टू पावर सिक्स, ये भी हमारे पास वन ही होगा. तो ये हमारे पास हो जाएगा वन प्लस ओमेगा स्क्वायर अप टू टू एन फैक्टर्स. अब ये भी हमारे पास वन प्लस ओमेगा इंटू वन प्लस ओमेगा स्क्वायर है, ये भी वन प्लस ओमेगा इंटू वन प्लस ओमेगा स्क्वायर है. अगर मैं इन दोनों को एक दफा लिख लूं, या आप इस तरीके से कह लें कि मैं इनको अब इस तरीके से लिखता हूं, दैट इज वन प्लस ओमेगा इंटू वन प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड इंटू वन प्लस ओमेगा इंटू वन प्लस ओमेगा स्क्वायर. दिस विल बी नाउ अप टू एन ब्रैकेट्स, क्योंकि एक ब्रैकेट में जो है वो मैंने दो फैक्टर्स लिख लिए. ये पहले हमारे पास टू एन फैक्टर्स तक थे, तो अब एक ब्रैकेट में अगर दो फैक्टर्स हैं तो ये हमारे पास अप टू एन ब्रैकेट्स हो जाएंगी. सो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं वन प्लस ओमेगा इंटू वन प्लस ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू पावर एन, क्योंकि ये हमारे पास एन ब्रैकेट्स तक हैं. इसको अब सॉल्व किया जा सकता है. इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब होल रेज टू पावर एन. एंड यू नो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज जीरो प्लस ओमेगा क्यूब इज वन, सो जीरो प्लस वन रेज टू पावर एन विच इज वन रेज टू पावर एन एंड इज इक्वल टू वन. सो द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड. देन इज द क्वेश्चन नंबर फोर. क्वेश्चन नंबर फोर इज इफ ओमेगा इज अ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, शो दैट
its other root is omega square, and also prove that and also show that omega cube is equal to 1. अब हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज को यूज किए बगैर दो चीजें प्रूव करनी है. एक तो ये कि अगर ओमेगा इस इक्वेशन का रूट होगा तो इसका दूसरा रूट ओमेगा स्क्वायर होगा, और दूसरी बात कि ओमेगा क्यूब जो है वो हमारे पास 1 है. सो हम स्टार्ट करते हैं. एज ओमेगा इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. हमें पता है कि अगर ओमेगा इस इक्वेशन का रूट होगा तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा. सेटिस्फाई करेगा मीन के एक्स की जगह पे हम ओमेगा पुट कर देंगे. दिस विल बिकम ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई. दूसरी इक्वेशन के अगर ओमेगा इसका रूट है, अगर ये इसको सेटिस्फाई करता है तो फिर आप शो करें कि ओमेगा स्क्वायर जो है वो भी इसका रूट है. अगर ओमेगा स्क्वायर इज रूट, इफ ओमेगा स्क्वायर इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन हम एक्स की जगह पे ओमेगा स्क्वायर पुट कर देंगे. एक्स की जगह पे ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा रेज टू पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब हमने इस चीज को 0 के इक्वल प्रूव करना है. सो अगर अपनी तरफ से मैं इसमें ओमेगा स्क्वायर ऐड कर दूं और ओमेगा स्क्वायर सबट्रैक्ट कर दूं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दिस विल बिकम ओमेगा रेज टू पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, प्लस मैंने इसमें ओमेगा स्क्वायर ऐड कर दिया एंड उसको सबट्रैक्ट कर दिया ताकि ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा रेज टू पावर 4 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब ये चीज हमारे पास स्क्वायर है ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब बेसिक अलजेब्रा से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा एंड इनटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा इज इक्वल टू 0. यहां पे हमने वो फॉर्मूला यूज किया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इनटू ए प्लस बी. नाउ फॉर्म इक्वेशन नंबर 1, दिस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, सो दिस विल बिकम 0 इनटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0. सो दिस इज प्रूव्ड दैट इफ ओमेगा इज अ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देन ओमेगा स्क्वायर इज आल्सो रूट एज ओमेगा स्क्वायर इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन. नाउ द अदर थिंग इज शो दैट ओमेगा क्यूब इज 1. अब हमारे पास यहां पे दो इक्वेशंस आई, एक तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 और दूसरी ये वाली इक्वेशन थी
omega raised to power 4 plus omega square plus 1. So, इन दो equations को use करते हुए हम prove करेंगे कि omega cube is equal to 1. Second part is that show that omega cube is equal to 1. अगर equation number 2 में से हम subtract कर दें equation 1, तब हमारे पास आता है, इनको subtract करें कि omega raised to power 4 plus omega square plus 1 minus omega square plus omega plus 1 is equal to 0. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा एंड माइनस 1 इज इक्वल टू 0. यहां पे हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के साथ कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 के साथ कैंसिल, सो ये हमारे पास बच गया पीछे ओमेगा रेज टू पावर 4 माइनस ओमेगा इज इक्वल टू 0. यहां पे अगर हम ओमेगा कॉमन ले लें तो ये हमारे पास बन जाएगा ओमेगा इनटू ओमेगा क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0. नाउ इधर ओमेगा इज इक्वल टू 0 और ओमेगा क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0. एज ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 0, सो ओमेगा क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. हमने उन दो इक्वेशंस के जरिए ये प्रूव कर दिया कि ओमेगा क्यूब जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल है. देन इज द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज प्रूव दैट कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ माइनस 1 आर 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा बाय 2 एंड 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा बाय 2 एंड आल्सो प्रूव दैट 1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट बाय 2 होल रेज टू पावर 9 प्लस 1 माइनस माइनस 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 होल रेज टू पावर 9 इज इक्वल टू माइनस 2. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप माइनस 1 के जो हैं वो रूट्स फाइंड करेंगे, वो बिल्कुल उसी तरीके से फाइंड करेंगे जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किए थे कुछ पार्ट्स. तो आप देखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं वो यही आएंगे 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा बाय 2 एंड 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा बाय 2. देन उसके बाद इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए सिंपली आप यहां से माइनस 1 जो है वो कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास ओमेगा बन जाएगा और ये माइनस ओमेगा बन जाएगा. देन जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया उसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन को भी आप खुद सॉल्व करेंगे. देन इज द क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ ओमेगा इज a cube root of unity form an equation whose roots are 2 omega
and 2 omega square. अब एक हमने इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स जो हैं वो हमारे पास 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर हो। इक्वेशन बनाने का तरीका हमारे पास ये होता है कि जिस वेरिएबल में हम इक्वेशन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्स में इक्वेशन बनाता हूं तो उसका तरीका ये होगा एक्स रेज टू पावर 2 माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जीरो। अब हमने दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो सम ऑफ रूट्स और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए दोनों रूट्स को हम सम करेंगे, सो सम ऑफ रूट्स विल बिकम 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। यहां से अगर 2 कॉमन ले लें तो ये हमारे पास बच जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और क्यूब रूट की प्रॉपर्टीज से, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज से हमें पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस 1, सो दिस विल बिकम माइनस 2। देन इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 2 ओमेगा इंटू 2 ओमेगा स्क्वायर, सो दिस विल बिकम 4 ओमेगा क्यूब एंड वी नो दैट दिस ओमेगा क्यूब इज 1, सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बिकम 1। ये जो वैल्यूज आई सम ऑफ रूट्स की और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास वो एक इक्वेशन बन जाएगी जो हम बनाना चाहते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स हमारे पास है माइनस 2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास है, सॉरी दिस इज 4, 4 इज इक्वल टू 0, सो इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देन इज द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड 4 फोर्थ रूट ऑफ 16, 81 एंड 625। इनमें से मैं एक को सॉल्व करूंगा, 16 को हम सॉल्व कर लेते हैं, फोर्थ रूट ऑफ 16 लेट कर लेता हूं मैं कि x इज फोर्थ रूट ऑफ 16, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने क्यूब रूट में लेट किया था। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 16 रेज टू पावर 1/4। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, x रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 16। सिंप्लीफाई करने के लिए इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है x रेज टू पावर 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है x रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 2 माइनस 4 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 0। देन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर
plus 4 is equal to 0. x square minus 4 को अगेन हम इसी फॉर्मूला के जरिए ओपन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x minus 2 into x plus 2 into x square plus 4 is equal to 0. अब यहां पे हमारे पास x minus 2 is equal to 0 इधर और x plus 2 is equal to 0 और x square plus 4 is equal to 0. यहां पे हमारे पास आ गया x is equal to 2, यहां पे x is equal to minus 2 और यहां पे हमारे पास x आ जाएगा x is equal to plus minus minus 4 square root and minus 4 square root will become, this will become plus minus 2 iota. So fourth roots of 16 हमारे पास आए 2 minus 2 2 iota and minus 2 iota. Similarly आप 681 के और 625 के जो fourth root हैं वो find करेंगे. And at the end is the question number 8. Question number 8 is solve the equations. इनमें से एक दो पार्ट मैं कर देता हूं, बाकी आप खुद कर लीजिएगा. First part is 2 into x raised to power 4 minus 32 is equal to 0. अब अगर मैं इसमें से 2 common ले लूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा x raised to power 4 minus 16 is equal to 0. और इसको आगे बिल्कुल उसी तरीके से solve किया जा सकता है जिस तरीके से हमने question number 7 का part number 1 जो है solve किया है कि x की हमारे पास values आई 2 minus 2, 2 iota and minus 2 iota. Then is the part number 2, that is 3 into y raised to power 5 minus 243 y is equal to 0. इनको solve करने के लिए आप पहले इनमें से 3 जो है उसको common ले लें तो ये हमारे पास बन जाएगा y raised to power 5 minus 81y is equal to 0. हमने इसको किसी तरीके से fourth power में लेके आना है. यहां पे दोनों में से y common लें तो ये हमारे पास बन जाएगा y into y raised to power 4 minus 81 is equal to 0. अब यहां पे इधर y is equal to 0 और y raised to power 4 minus 81 is equal to 0. इसको हम बिल्कुल उसी method से solve कर सकते हैं जिस तरीके से हैं. Simply expand करते जाने और कुछ भी नहीं करना. तो यहां पे हमारे पास y की जो values आएंगी वो आएंगी minus 3 minus 3 iota and 3 iota. बिल्कुल similar method से part number 3 and 4 को आप खुद solve करेंगे. This is the end of exercise 4.4. जो questions रह गए हैं उनको आप खुद solve करें. जो concepts दे गए हैं उनको use करते हुए आप बाकी जो questions हैं उनको solve कर सकते हैं.